प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां काशी में सावन का जिक्र किया कि इस बार का सावन बेहद खास रहने वाला है और ये पर्व की तरह होगा, बड़े पर्व की तरह होगा, क्योंकि देश भर से श्रद्धालु काशी कॉरिडोर बनने के बाद यहां पर आएंगे। और साथ ही साथ मोदी ने यह भी कहा, उन्होंने सुशासन की परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ काशी में बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, वहीं रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी सरकार ध्यान दे रही है और उनके विकास के लिए भी खास तौर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं, चलाई जा रही हैं, धरती पर उतारी जा रही हैं काशी में। काशी में जल्द ही हर जाम का काम तमाम होगा। काशी में सड़कों पर ट्रैफिक की राह में आने वाली रुकावटें जल्द दूर होंगी। यहां की सड़कों को इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि आज की मुश्किलें कल इतिहास बन जाएंगी। पीएम मोदी ने काशी में जिन मुद्दों को भी उठाया, जिन वादों का जिक्र किया और जिन योजनाओं की सौगात दी, उन सब का वास्ता सिर्फ एक बात से है और वो है वाराणसी का कायापलट। आज काशी की तीन और सड़कों के चौड़ीकरण का काम शुरू हुआ है। इससे मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, भदोही, मिर्चापुर जैसे अनेक जनपदों से आना जाना आसान होगा और काशी में जाम की परेशानी भी कम होगी। शहरों की चौड़ी सड़कों को आसपास के गांवों से जोड़ने के लिए आज जनपद की 9 सड़कों का शिलान्यास भी हुआ है। इन सड़कों से बारिश के मौसम में जो मुश्किलें आसपास के गांवों के किसानों, नौजवानों को शहर आने में होती है, वो दूर होने वाली है। काशी में पीएम मोदी प्रधानमंत्री की भूमिका में कम और सांसद के अंदाज में ज्यादा नजर आए। लोगों से स्थानीय मुद्दों पर सीधी बात की, अपनी योजनाओं के बारे में बताया, जो करके दिखा दिया उसकी भी फहरिस्त गिनाई। योगी जी की सरकार तहसील और ब्लॉक मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए चौड़ी सड़कों पर जो काम कर रही है, वो काम भी बहुत सराहनीय है। आज सेवापुरी को बनारस से जोड़ने वाली सड़क के चौड़ीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। ये जब पूरा हो जाएगा तो वाराणसी जनपद की सभी तहसील और ब्लॉक मुख्यालय 7 मीटर चौड़ी सड़कों से जुड़ जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ जो सड़कें बन रही हैं, गरीबों के घर बन रहे हैं, पाइपलाइन बिछ रही है, इनमें जो सामान लगता है उससे स्थानीय लोगों का बिजनेस बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने सुशासन की परिभाषा भी समझाई और कहा कि हमारी चिंता के केंद्र में रेहड़ी और पटरी पर काम करने वाले लोग भी हैं। ऐसा सर्वस्पर्शी, सर्वहितकारी विकास, और यही तो सुशासन है। आप देखिए, रेहड़ी ठेले पटरी पर छोटा छोटा कारोबार करने वाले साथियों को कितनी मुश्किलें आती थी। अब गदौलिया से दशासों मेघ के बीच गौरव पद भी बना है, तो वहां अब दशासों मेघ संकुल भी बनने जा रहा है। ये संकुल रेहड़ी पटरी को सुविधाओं के साथ अपनी दुकानदारी का भी अवसर देगा। चौकाघाट लहरतारा फ्लाईओवर, इसके नीचे लगभग 2 किलोमीटर लंबा एक विशेष वेंडिंग जोन डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सावन की खास तौर पर चर्चा की। सावन दस्तक देने ही वाला है, पर काशी के लिए इससे बड़ा मौका कुछ और नहीं होता जब शिव के भक्त दुनिया भर से यहाँ पहुँचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसलिए काशी वासियों से मन की बात कही
आने वाले उत्सवों का जिक्र करते हुए कहा कि सावन पर काशी में दुनिया भर से लोग आएंगे और उन्हें दिव्य, भव्य और नव्य काशी का इस बार अनुभव मिलेगा, क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद ये पहला सावन है। मुझे बताया गया है कि गर्मी के मौसम के बावजूद भी इस बार रोजाना, और अभी योगी जी भी बता रहे थे, रोजाना लाखों श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। सावन के दौरान भी यहां बाबा के भक्तों को दिव्य और भव्य और नव्य काशी का भी अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी काशी में पूरी तरह यहां के रंग में रंगे थे। उन्होंने कहा कि हर उत्सव को शान से मनाएंगे, काशी को उसका गौरव वापस दिलाएंगे। काशी भैरव यात्रा, नव गौरी यात्रा, नव दुर्गा यात्रा, अष्ट विनायक यात्रा, आस्था की ऐसी हर यात्रा सुगम हो, इसके लिए सरकार सुविधाओं का निर्माण कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर नाविकों के लिए चलाई गई योजनाओं का जिक्र किया, कहा कि डीजल पेट्रोल से चलने वाली नावों को अब सीएनजी से जोड़ा है। काशी के 650 में से 500 नावों को सीएनजी से जोड़ा जा चुका है। घाट पर सीएनजी स्टेशन बन चुका है। नाविकों के ईंधन का खर्च कम हो रहा है। कम खर्च में अधिक कमाई के रास्ते खुल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने आखिर में लोगों को गंगा की स्वच्छता की सौगंध दिलाई। काशी की, गंगा जी की स्वच्छता का जो संकल्प हमने लिया है, उसे कभी भी भूलना नहीं है। याद रखोगे ना? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, रखोगे ना? हमारी काशी साफ रहेगी ना? हमारी काशी स्वच्छ रहेगी ना? हमारी माँ गंगा स्वच्छ रहेगी ना? हम कोई गंदगी नहीं करेंगे ना? हम कोई गंदगी होने नहीं देंगे ना? ये हमारी काशी है, इस काशी को हमें ही बचाना है, इस काशी को हमें ही बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 4 घंटे के काशी दौरे के दौरान जितने भी कार्यक्रमों में शिरकत की, उसका सीधा वास्ता लोगों से संपर्क को और भी मजबूत करना था, जनता का भरोसा जीतना था, और इन सबके जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरे पूर्वांचल सहित उत्तर प्रदेश को विकास का सीधा संदेश देना था कि विकास का मतलब तो बनारस ही होता है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ वीरेश पांडे की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।